नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। आपके साथ मैं हूं शुभम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नज़र इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया संबोधित। राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखी मोदी सरकार के 5 सालों के कार्यकाल की झलक। योग दिवस को लेकर पूरे देश में तैयारियां शुरू। हरियाणा के रोहतक में योग दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर साधा निशाना, कहा कि उन्होंने कभी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की तो बाबा रामदेव की इज्जत कैसे करेंगे। भ्रष्टाचार को मिटाने को लेकर बीजेपी की नई पहल। हरियाणा में अब कैशलेस होंगे राशन डिपो, उपभोक्ता अब ऑनलाइन करेंगे खरीदारी का भुगतान। राजस्थान के कोटा में अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा, हुक्का बार संचालक समेत एक आरोपी गिरफ्तार। चलिए खबरों की बात करते हैं राष्ट्रपति के संबोधन से, जहां आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र में संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया कि मोदी सरकार का 2.0 का किस तरह का ट्रैक होगा, किस तरह कार्य करेगी और इनका क्या एजेंडा होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मोदी सरकार 2.0 के एजेंडे को देश के सामने रखा और सरकार किस तरह न्यू इंडिया की नींव रख रही है इसे भी बताया। इस दौरान सदन में लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में विकास नीति समेत कई बड़े मुद्दों का जिक्र किया। चुनाव में देश की जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है। सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है। ऐसा करके देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को अबाधित और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है। और अब ये अगली खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो बाबा रामदेव की इज्जत क्या करेंगे। उन्होंने तंवर पर पलटवार करते हुए कहा कि वे कभी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की तो वे बाबा रामदेव की क्या इज्जत करेंगे। आपको बता दें कि एक बयान में तंवर ने बाबा रामदेव को व्यापारी रामदेव कहा था। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। क्रॉस नंबर 2 में विज ने लगभग 15,50,000 की एक धर्मशाला का उद्घाटन भी किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने हरियाणा में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने के बयान पर विज से तंज करते हुए कहा कि तंवर द्वारा बाबा रामदेव को लाला रामदेव कहने पर विज ने कहा कि इन्होंने अपने माँ बाप की कभी इज्जत नहीं की तो बाबा रामदेव की इज्जत क्या करेंगे, ये किसी को भी इज्जत से नहीं बुला सकते। और अभी अगली खबर हरियाणा के यमुनानगर से, जहां बीजेपी सरकार विभिन्न विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अब सभी विभागों को ऑनलाइन करने की फिराक में है। इसी कड़ी में अब हरियाणा के खाद्य आपूर्ति विभाग ने डिपो होल्डर के माध्यम से उपभोक्ता को दिए जाने वाले राशन की पेमेंट नगद ना लेकर कैशलेस करने वाली है, जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है। इस कैशलेस योजना के तहत जिस राशन कार्ड धारक को जिनको सस्ते अनाज की सरकारी डिपो से अनाज मिलता है उसका खाता गांव के डिपो होल्डर के खाते से लिंक किया जाएगा। जैसे ही राशन कार्ड धारक डिपो से जो भी सामान लेगा उतनी ही राशि बैंक खाते से कटकर सीधे डिपो होल्डर के बैंक खाते में चली जाएगी। अभी तक लोगों को राशन के बदले नगद भुगतान करना पड़ता था। डिपो को कैशलेस करने का सबसे ज्यादा फायदा राशन लेने वाले लोगों व सरकार को होगा। ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर लोगों को यह जानकारी नहीं होती थी कि उन्हें जो सामान दिया जाता है उसकी कीमत कितनी है। इसका फायदा उठाकर डिपो होल्डर लोगों से हर बार अलग अलग राशि लेते थे, कई बार तो कम राशन देकर ज्यादा पैसे भी लेते थे। कैशलेस होने से अब उपभोक्ता को जितना राशन दिया जाएगा उतने ही पैसे उसके बैंक खाते से कटेंगे। सीधी जो डिपो बढ़ता है, डिपो में माल लेने जाता है ना, उसके खाते से सीधी पेमेंट कर देगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। बांटता रखो दफ्तर, सभी जगह ग्रामीण दफ्तर खुले हैं और अपने दफ्तरों में एक तो अपने राशन कार्ड की फोल्ड कापी, एक बैंक की पासबुक की फोल्ड कापी, एक मोबाइल नंबर जमा कराना है, जिससे प्रक्रिया शुरू हो रही है जी। इसका पहुँचेगा और ठीक ईमानदारी से सही ढंग से काम होगा और सरकार की इसमें बड़ी अच्छी प्रशंसा बनेगी। सरकार जो कर रही है डिपो वाले के भी लिए और कार्ड धारक के लिए बहुत अच्छा स्कीम है। इस बारे में कहना चाहता हूँ, जो सरकार ने ये कैशलेस योजना चलाई है इसमें उपभोक्ता का
मतलब सभी तरफ से फायदा होगा। इसमें अब कोई भी डिपो होल्डर है अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। जैसे कि हमें हमारे पास पैसे खुले नहीं होते थे, कोई 20-22 रुपए की चीज़ है हमसे 25 रुपए काट लिए जाते थे और ऐसे में हमारा नुकसान होता था। और अब सरकार ने जो कैशलेस योजना चलाई है इससे हमारा यह फायदा होगा कि हमें हमारे खाते से जो पैसे कटेंगे वो पूरे पूरे जो सरकार के द्वारा निर्धारित कीमत है। और ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई राजस्थान के कोटा से है, जहां राजस्थान की कोटा पुलिस ने गुमानपुरा इलाके में रोड पर चल रहे अवैध हुक्काबार पर कार्रवाई करते हुए मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं मौके से नशीली सामग्री भी बरामद की है। गुमानपुरा थाना अधिकारी मनोज शिकरवार ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डिकॉय ऑपरेशन में हुक्का बार में नशा परोसने की सूचना की पुष्टि होने के बाद कोटड़ी गुमानपुरा रोड स्थित हुक्का बार पर छापा मारा गया। मौके से काफी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने हुक्का बार संचालक आबिद चिंटू और नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। कोटड़ी रोड पर हुक्का बार चलने की सूचना आई थी, जिस पर प्रशासन और पुलिस ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। इसमें 3 जनों को गिरफ्तार किया है, नसरुद्दीन, आबिद और चिंटू मेघवाल। इसके अलावा इनसे 7 हुक्के, सिगरेट हैं और काफी मात्रा में तम्बाकू जब्त की है, फ्लेवर्स वगैरह जब्त किए हैं और इनके खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई। तो वहीं राजस्थान के कोटा में यूआईटी की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने और पक्का निर्माण करने का मामला सामने आया है। इस पर कार्रवाई करते हुए यूआईटी तहसीलदार, अतिक्रमण रोधी दस्ते और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचे और यूआईटी की जमीन पर बने पक्के निर्माण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त करवाया। इस दौरान कुछ लोगों ने अतिक्रमण का विरोध भी किया। मौके पर काबिज महिला सुगनाबाई और संतोष बाई ने कहा कि वह लोग वर्षों से यहां रह रहे हैं, इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिस पर अब जाकर संज्ञान लिया गया है। वहीं तहसीलदार राम कल्याण का कहना है कि लंबे समय से इस अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, इस पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। वही सन्नी तो हम तो रोड देखते पीछे बैठा, कोई तकलीफ ही नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। कितने सालों से यहाँ दुकान चला रहा हूँ? मेरे तो 25 साल से ज्यादा होगी दुकान। कमाते कमाते मैं यूआईटी में भी 10 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। इन्होंने फर्जी वाड़ा करा का पूरा 5 साल जी का फर्जी वाड़ा है यहाँ पर, है ना। उनका कोई शिकायत वाली बात नहीं है, सारी शिकायत हमारे बोर्डों से आई गई यहाँ पर। ये बताओ आप, रोड साइड की जो होती है उसकी शिकायत थी कई दिनों से, कई महीनों से शिकायत थी। ये जमीन यूआईटी की है तो ये अतिक्रमण कर बैठे हुए थे, अतिक्रमण करके बैठे हुए थे। कल पूरे देश दुनिया के साथ साथ हरियाणा के रोहतक में भी योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस योग दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि रोहतक के गोहाना रोड स्थित बीटा बैंक चौक के पास मेला ग्राउंड में रखा गया है। कार्यक्रम स्थल पर 63 सेक्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में एक छोटा मंच बनाया गया है, जहां योग साधकों की सुविधा के लिए पतंजलि के अनुभवी योग शिक्षक योग साधकों को योगा करवाएंगे। समारोह को भव्य बनाने के लिए 6 से 8 बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि समारोह को सफल बनाने के लिए 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है, जो सभी 63 सेक्टरों में पतंजलि के अनुभवी लोगों के साथ मौजूद रहेंगे। समारोह में योग करने वाले सभी योग साधकों के लिए पीने का स्वच्छ पानी, आधुनिक शौचालय, 2 तरह के कूड़ादान, पार्किंग और खाने पीने की सामग्री के समुचित प्रबंध किए गए हैं। उपायुक्त RS वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले साधकों को योग किट, जिस पर योग को लोगो चिंतित होगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री और आयुष विभाग के जो मंत्री है अनिल विज जी भी आप पधार रहे हैं और हमारे स्थानीय मंत्री और सांसद वो तो होंगे। ये बहुत एक बड़ी इवेंट है और इसकी सभी तैयारियां हमने पूर्ण कर ली हैं। इस आयोजन में 21 से 23 हज़ार लोग योगा करेंगे। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इन दिनों किस तरह युवाओं में विदेश जाकर रोजी रोटी कमाने का क्रेज बढ़ता जा रहा है और युवाओं इन दिनों किस तरह एजेंटों के झांसे में आ रहे हैं। काशी
की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक। यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर, वो चाहे जरायम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। मैडम, आप इतनी ज्यादा फीस कैसे ले सकती हो? ये तो सरासर गैर कानूनी हुआ। देखिए, हमारे पास यही ऑप्शन है, आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं। ये कैसी धांधली है? अब हम क्या करेंगे? अब हमारी कौन सुनेगा? हम सुनेंगे आपकी बात और हम बनेंगे आपकी आवाज। एबी स्टार न्यूज, हर वक्त आपके साथ। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात? मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक? हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक। अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर पंजाब के जालंधर से है, जहां युवाओं में लगातार विदेश जाकर रोजी रोटी कमाने का क्रेज बढ़ता जा रहा है और युवक एजेंटों के झांसे में आकर धोखाधड़ी का शिकार भी हो रहे हैं। आजकल युवाओं में विदेश जाकर रोजी रोटी कमाने का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते विदेश जाने की चाहत में कुछ युवक एजेंटों के झांसे में आकर अपने पेपर्स को प्रॉपर तरीके से चेक भी नहीं करते। ताज़ा मामला पंजाब के जालंधर के दोआबा इलाके का है। इसी तरह सऊदी अरब के रियाद इलाके की एक कंपनी में काम कर रहे सैकड़ों नौजवान कंपनी के बंद होने के बाद और उनके पास कोई भी पेपर ना होने के कारण मुसीबत में फंस गए, जिसके चलते वो ना तो वहाँ पर काम कर पा रहे हैं और ना ही देश वापस आ सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने मौजूदा हालात का वीडियो बनाकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से सहायता मांगी है। इन युवकों की वीडियो वायरल होने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रयत्नों से बुधवार शाम और पिछले दिनों पंजाब के 750 युवक अपने घर पहुंचे हैं, जिनमें से 7 परिवार जालंधर और आसपास के इलाकों के बताए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर जालंधर भाजपा के प्रधान रमन पब्बी ने बताया कि जब इस तरह के मामले विदेश मंत्रालय के संज्ञान में आए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह खुद इन मामलों को लेकर सऊदी अरब गए थे और इन सभी युवकों की रिहाई और इनकी वतन वापसी के लिए वहां की सरकार से बातचीत की थी, जिसके कारण ये सब लोग अपने देश वापस पहुंच पाए हैं। टोटल पंजाब दे 450 परिवार सिगा जी पंजाब दा, जो कि सऊदी अरबिया दे विच उत्थे कैद सिगा पिछले 8-9 महीनों दे विचों। और जदों कि ये साडा सारे ध्यान दे विच साडे आया और असी उपराला करके श्वेत मलिक जी और केश ठौर जी दे राही विदेश मंत्रालय तक अपनी असी गलबात रखी और विदेश मंत्रालय ने उत्थे निरंतर सऊदी अरबिया दे नाल संपर्क करा के उत्थे उन्हां दा खाण पीन दा रहण दा और उन्हां दी मेडिकल हेल्प दा पूरा पहलों तां इंतजाम किया। और अब बात हरियाणा की। हरियाणा के होशियारपुर में एक उषा मार्टिन कंपनी में काम कर रहे एक वर्कर के बेटे की डिस्पेंसरी में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने फैक्ट्री के गेट पर जमकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद मृतक लड़के के परिजनों ने फैक्ट्री के गेट के सामने डेड बॉडी को रखकर हाईवेज पर रोड जाम कर दिया। फैक्ट्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की। मृतक लड़का करण, जिसकी आयु 17 वर्ष है, की मौत के बाद परिवार वालों ने फैक्ट्री प्रबंधकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके लड़के की मौत फैक्ट्री अस्पताल में काम कर रहे लोगों के द्वारा गलत टीका लगाने से हुई है, जिस पर उन्होंने कार्यवाही की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे डीएसपी सिटी जगदीश अत्री ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि फैक्ट्री के अस्पताल में इलाज के दौरान एक लड़के की मौत हो गई है, जिसका आरोप मृतक के परिजन फैक्ट्री अस्पताल प्रबंधकों पर लगा रहे हैं। उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो भी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये बच्चा मेरी ननान दे जेठ साहब बेटा है। अच्छा, की होया? तोता ही है साडा, तोता है। हां जी, असि इन्हां दे कोल आए, इन्हां ने गलत टीका लगाया बच्चे दे।
ਗਲਤ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀ ਸੁਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨੀ ਦੇਣਾ, ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਬਸ ਪੇਟ ਚ ਵੱਟ ਪਿਆ ਇਹਦੇ, ਸਵੇਰੇ 5:30 ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ अंदर मेरे हस्बैंड काम करते हैं। यहाँ पे आगे देखा कि एक बच्चा जो सातवीं कक्षा में पढ़ता था उसकी डेथ हो चुकी है, जो परिवार वाले उन्होंने जे उषा फैक्ट्री ऊपर जो आरोप लगाया है कि उनका बच्चा सुबह बीमार हुआ था, वो ट्रीटमेंट के लिए जहाँ पे लेके आए थे और जहाँ के जो डॉक्टर थे जो फार्मासिस्ट उन्होंने वहाँ पर उसके दो टीके लगा दिए, जिसके कारण वो उनका ये सोचना है जो टीके वो गलत लगाए हैं। कल मनाए जाने वाले योग दिवस को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, तो वहीं हरियाणा के कैथल में भी राजकीय विश्वविद्यालय में रिहर्सल की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हरियाणा के कैथल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चीका में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई, जिसमें हल्का मोहल्ला के समस्त कर्मचारी अधिकारी व बच्चों सहित समाज से भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान उपमंडल अधिकारी महेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई है, जिसमें समस्त गोहला से सभी विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ बच्चों और समाज से भी लोगों ने हिस्सा लिया। लगभग 700 के करीब लोगों ने अभ्यास में हिस्सा लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि 21 जून को लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान उन्होंने समस्त अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई, जिसमें 21 जून को होने वाले योग दिवस में रखरखाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। और अभी अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर साधु संतों की बैठक हुई। बैठक के बाद 2022 तक केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। साधु संतों ने केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए 2022 तक का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र में संतों ने स्पष्ट रूप से कहा कि राम मंदिर का निर्माण केंद्र सरकार 2022 तक करवाने का मार्ग प्रशस्त करें, वरना साधु संत फिर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए विवश होंगे। मंडल के उद्घाटन सत्र की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के शीर्ष सदस्य युगपुरुष स्वामी परमानंद सरस्वती ने कहा कि 2022 तक वर्तमान केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए समय देते हैं, मौजूदा सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तब तक राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत आ जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग नहीं निकालती है तो हम इस सरकार से भी निपटेंगे। जो मुद्दे तो हैं, राम जन्मभूमि भी है, 370 धारा भी है, 35A भी है, और बाहर के घुसपैठिए और हमारे देश के लोग जो बाहर दुखी होकर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है वो आते हैं, उन दोनों में फर्क है। वो हमारे लोग शरणार्थी हैं और जो लोग यहाँ आकर वो करते हैं वो घुसपैठी है, तो ये भेद ये विषय भी है। पर प्रस्ताव में क्या होगा, अभी सब संतों की सहमति होगी, प्रस्ताव रखे जाएंगे, पर ये विषय है। श्री राम जन्मभूमि का विषय, क्योंकि सारे सबूत हमारी मान्यता है कि हिंदू समाज के तरफ से है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय भी है, तो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने हर तरीके का जो भी प्रयत्न है, कानूनन प्रयत्न जो करते हुए हिंदुओं को न्याय देकर जल्दी से जल्दी वहाँ से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो, यह हमारी अपेक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी से जल्दी सुनवाई करनी चाहिए। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार जारी है। दिल्ली के एक लक्ष्मी नगर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से प्रॉपर्टी डीलर घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एम बिल्डर को लड़कियों को छेड़खानी करने का विरोध करना भारी पड़ गया। पीड़ित जीत सिंह 45 वर्ष का कहना है कि देर शाम कुछ लड़के लड़कियां उनके ऑफिस के बाहर जा रहे थे, तभी कुछ लड़के लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्ष के लड़कों में झगड़ा हो गया। इस बीच जीत सिंह भी मौके पर पहुंच गए और बीच बचाव करते हुए छेड़खानी का विरोध किया और मामला शांत करवाया, लेकिन कुछ देर बाद ही मोटरसाइकिल और स्कूटी पर सवार होकर 8 से 10 लड़के पहुंचे और जीत सिंह पर फायरिंग कर फरार हो गए। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अमृतसर के पंजाब में डीसी कर्मचारियों ने अपनी मांग पूरी ना होने के चलते एक दिन की कलमबंद हड़ताल की है। कर्मचारियों ने कार्यालय पहुंचकर अपने काम को बंद रखा, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें ताकि उन्हें कोई मुश्किलें ना हो। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने हर बार सिर्फ वादे किए, इस बार भी चुनाव से पहले वादा किया था कि इन लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद उनकी मांगें मान ली जाएंगी, लेकिन चुनाव के बाद सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं अरविंदर सिंह संधु, प्रधान जिला डीसी दफ्तर कर्मचारी एसोसिएशन जिला अमृतसर, ये दसना चाहना है आप सब नूं कि असी ये हड़ताल अपनी स्टेट बॉडी के सदे के उत्ते दित्ती है और की है स्ट्राइक। असी ये स्ट्राइक सानू बार बार करन लई इस करके मजबूर होना पै रहा है कि सरकार पिछले दो ढाई साल तो साडियां अहम मंगा जो लगभग 10 वारी सानू ये भरोसा दे चुकी है कि असी मान लिया, असी स्ट्राइक छड़ दिंदे आ, उस तो बाद उस दे बारे सरकार कोई चिट्ठी पत्र, कोई रूल रेगुलेशन, कोई एक्ट किसी तरह का तैयार नहीं करती। और अभी अगली खबर पंजाब के फाजिलका से, जहां नशे के विरुद्ध पुलिस ने अभियान चलाया और एक सेमिनार का आयोजन भी किया। फाजिलका पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला फाजिलका के SSP दीपक हिलोरी ने की, जिसमें सैकड़ों स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और जिसमें नशे के बुरे प्रभावों के बारे में नाटक प्रस्तुत कर लोगों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। इस समागम पर फाजिलका के SSP दीपक हिलोरी ने कहा कि हमने नशे के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है और लोगों को इसके बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए एक नाटक के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हमने नशों के रोकथाम के लिए नशों के सौदागरों को पकड़कर उन पर कार्रवाई भी की है और हमारी यह मुहिम आगे भी चलती रहेगी। ये जो फाजिलका पुलिस की ड्रग्स के जो लड़ाई चल रही है उसी का पार्ट था। ऑलरेडी हम एनफोर्समेंट तो कर ही रहे, लेकिन पब्लिक में जो अवेयरनेस की जो एक मुहिम चलाई रही है उसी में हमने एक नाटक दिखाया था और इसमें DSP फाजिलका, उनके एफर्ट्स थे, जो उन्होंने पूरी टीम बुलाई, आज पूरे फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में जो सरपंच आए, काउंसलर आए, उनके सामने नाटक पेश किया। हेलो रिची, SSP जो फाजिलका है, उनके दिशा निर्देशों अनुसार जो आज सेमिनार लगाया गया, जो आज नाटक नशे पे खेला गया है, वो बहुत ही अच्छा था और बेहतरीन वो एक मैसेज था नौजवान पीढ़ी के लिए कि जो नशा जो आजकल बढ़ रहा है, जो चिट्टे का इस्तेमाल हो रहा है और पेरेंट्स उसको रोक नहीं पा रहे। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए ABC स्टार न्यूज। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर, वो चाहे जरायम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू UP 75 में, सिर्फ और सिर्फ ABC स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात? मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक? हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक, अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट, सिर्फ ABC न्यूज पर। GST रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ ABC न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर राजस्थान के कोटा से, जहां कोटा के बाल सुधार गृह में दो बाल अपराधी आपस में भिड़ गए, जिसमें इस भिड़ंत में एक बाल अपराधी घायल हो गया है। कोटा के नया गांव स्थित बाल सुधार गृह में दो अपराधी आपस में भिड़ गए, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी पर घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि बाल सुधार गृह में अपराधी खुलेआम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें बाहर से अपराधी आदेश देते हैं, जिसके बाद वे मारपीट करते हैं। पीड़ित के परिजनों ने इसकी शिकायत SP से करने की बात कही है। लड़ने झगड़ने वाले तो वो लोग थे, मगर शुभम और गौरव ने बोल के और मेरे बच्चे से को जान से मरवाने की बोल के पिटाई करवा दी, जान से मारने के अंदर कल मेरे को पेश किया था, जो अभी मेरे पास मारपीट की रात में 1:30 बजे गौरव और वो शुभम ने जो अंदर है उसके पास लगाया, फिर उन्होंने बोली कि इसको जान से मार देना, फिर उन्होंने मेरे को रात में 1:30 बजे मारपीट की। सब लोगों का बचाव नहीं किया, वो खड़े होकर देख रहे थे। अगली खबर राजस्थान के बूंदी से, जहां अंकित सोनोग्राफी सेंटर मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बूंदी के अंकित सोनोग्राफी सेंटर से जुड़े मामले में SCGM कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें संचालिका माया गुप्ता और राजीव गुप्ता को 3 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि मामला कई साल पुराना है। निरीक्षण के दौरान सेंटर में कमियां पाई गई थी। आरोपी कोर्ट में पेश हुए, जहां पर कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। इस दौरान मीडिया को देखते हुए दोनों आरोपी छुपते छुपाते नजर आए और अपने आरोपों को झूठा बताते हुए नजर आए। 2010-11 में तत्कालीन सी में जो हेमराज जिनियता के नेतृत्व में अंकित सोनोग्राफी सेंटर के निरीक्षण किए गए थे, तो वहाँ निरीक्षण के दौरान काफ़ी कमियां पाई गई थी। उन कमियों के आधार पर माननीय न्यायालय BCP NDT स्पेशल कोर्ट कोटा में परिवाद पेश किए थे। बाद में ये परिवाद न्यायालय से ट्रांसफ़र होकर बूंदी न्यायालय में आई है। आगे तो उन मामलों में सुनवाई चल रही थी अंकित सोनोग्राफी सेंटर के खिलाफ। और अब ये दिल दहला देने वाली खबर हरियाणा के यमुनानगर से, जहां एक बेखौफ बदमाशों ने एक महिला पर घर में घुसकर सरेआम गोलियां चला दी। हमलावर दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए थे और घटना को अंजाम देकर दीवार फांदकर ही फरार हो गए। गोली लगने से महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने PGI चंडीगढ़ जाकर महिला के बेटे के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में एक नवजात का शरीर मिलने का मामला सामने आया है। बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के मकोरिया डीहे में ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में किसी ने अपने नवजात बच्चे को लावारिस हालत में मंदिर के चबूतरे पर रख दिया। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर पूजा करने गए गांव के लोगों ने पहुंचकर देखा कि एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में पड़ा है। बच्चे को लावारिस हालत में देखकर वहां मौजूद लोगों ने उठा लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। फीवर की स्थिति में आया था, जिसका वेट 1440 ग्राम का है और ये बच्चा पहले से अभी ठीक लग रहा है, फीवर उसका उतर गया है और दूध थोड़ा सा मतलब दूध ठीक ढंग से नहीं पी पा रहा है। पंजाब के अमृतसर में विजयनगर इलाके में बेखौफ गुंडागर्दी का नज़ारा देखने को मिला। यहां दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों की ओर से गुरु हरगोविंद साहिब के प्रकाश पूरब को देखते हुए शब्बीर की गिरा इकट्ठी की जा रही थी। इस दौरान एक युवक ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं ये घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। इस मारपीट में एक युवक घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल रात को इन्फॉर्मेशन आई थी पुलिस चौकी विजयनगर सदर की चौकी या पुलिस स्टेशन की कि मुस्तफ़ाबाद एरिया में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो पुलिस पहुँच गई थी। अभी एक पार्टी ने हमें कंप्लेंट दी है, बोल रहे हैं दोनों तरफ चोट लगी है, छोटी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उनके कुछ, बाकी वेरीफाई कर रहे हैं। MLR फॉर्मली अभी तक कोई आई नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABC News।